लौटते मॉनसून की वजह से नए प्याज की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों में महाराष्ट्र के किसानों द्वारा स्टॉक में रखे पुराने प्याज की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई मांग की वजह से बाजार में प्याज का भाव भी तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल रिटेल बाजार में प्याज 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज व्यापारियों के मुताबिक नए प्याज को तैयार होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए प्याज का भाव अभी और बढ़ेगा। महाराष्ट्र सहित कर्नाटक में लौटते हुए मॉनसून की बारिश की वजह से बड़ी मात्रा में प्याज की फसलें खराब हो गई हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी लौटने मॉनसून की वजह से बारिश ने कहर ढाया है। बारिश में खराब हुई फसलों की वजह से किसानों को फिर से प्याज लगाना पड़ा। नए प्याज की फसल नवंबर में तैयार होकर सामने आएगी। ऐसे में दिवाली तक प्याज का भाव इसी तरह बढ़ता रहेगा। नया प्याज बाजार में आने तक भाव अभी और बढ़ेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्याज बहुत अधिक मात्रा में होता है। फिलहाल बाजार में मांग की तुलना में प्याज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से स्टोर किए गए पुराने प्याज का भाव आसमान छू रहा है। इस वक्त प्याज फुटकर मार्केट में 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। नवी मुंबई की APMC मार्केट में 100 से 130 गाड़ियों में प्याज मंगवाए जाते हैं। यहाँ थोक में प्याज 30 से 45 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। मुंबई और ठाणे के रिटेल बाजार में यह प्याज 50 से 55 रुपए किलो बेचा जा रहा है। पुणे जिले के खेड़, मंचर, शिरूर, जुन्नर और नासिक संगमनेर, अहमदनगर के किसान काफी मात्रा में प्याज का स्टॉक रखते हैं। पुणे के मार्केट के यार्ड में रोज करीब 50 गाड़ियों में प्याज मंगवाए जाते हैं। नासिक के लासलगांव बाजार में करीब 8 से 10 हजार क्विंटल प्याज की आवक होने की जानकारी मिली है। यह जानकारी लासलगांव बाजार समिति की ओर से दी गई है। फिलहाल बाजार में नया प्याज उपलब्ध नहीं है। देश भर में महाराष्ट्र के पुराने प्याज की सबसे ज्यादा मांग है। नासिक में हुई मूसलाधार बरसात की वजह से नए प्याज की फसलें खराब हुई हैं। मांग ज्यादा होने और सप्लाई कम होने की वजह से ही अगले कुछ वक्त तक प्याज सस्ता होने की उम्मीद ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।